छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे एक मिट्टी का शिवलिंग बना लेते हैं सावन के महीने में। छोटे छोटे बच्चे मम्मी पापा को शिवलिंग बनाते हुए देखते हैं तो वो भी मिट्टी का शिवलिंग बना लेते हैं, और मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करके उस पर फूल पत्ती चढ़ा देते हैं, कुछ भी चढ़ा देते हैं, कागज का टुकड़ा भी चढ़ा देते हैं। कोई पूछ रहा था क्या भगवान शिव स्वीकार करते, क्यों नहीं? कड़प डाकू जिसने केवल प्रवचन में सुना था कि कहीं भगवान शंकर का शिवलिंग मिल जाए तो उस पर जल चढ़ा देना, बेलपत्री चढ़ा देना, बेलपत्री ना मिले तो किसी फूल पत्ती को उठाकर चढ़ा देना, एक कड़प डाकू ने सुन लिया था कि जो मिल जाए वो शंकर को समर्पित कर देना, भगवान को भोग लगाना, जल चढ़ाना, फूल पत्ती चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना। कड़प नहीं जानता था कि जल कैसे ले जाना है, कड़प नहीं जानता था कि भोग क्या लगाना है, कड़प नहीं जानता था कि फूल पत्ती कौन सी चढ़ाना है, बेलपत्र कौन सी चढ़ाना है। एक दिन कड़प ने जो प्रवचन में सुना था, किसी पर से डाकू था, असुर प्रवृत्ति का था, राक्षस प्रवृत्ति का था, सुन लिया और सुनकर कड़प पेड़ पौधे की पत्तियों को तोड़ कर ले आया, जीवों को मारकर उसका मांस खाता था कड़प, उसी मांस को उठा लिया। कहीं सरोवर में गया तो देखा कि मेरे एक हाथ में तो मांस है, दूसरे हाथ में फूल पत्ती है, पानी कहाँ लूं। कड़प ने अपने मुंह में तालाब में मुख लगाकर पानी को भर लिया, शिव मंदिर में गया। शंकर का मंदिर कहाँ जंगल में, एक होटले पर शिवलिंग रखा हुआ था। उसने देखा कितनी फूल पत्ती पड़ी है, पांव से हटा दी, पानी डाल दिया, फूल पत्ती रख दी, जो मांस ले गया था वो भी रख दिया। भाव देखिएगा इस कड़प का, रख दिया। शाम को पंडित जी आए, उन्होंने देखा कि बताओ भगवान शंकर के पास कौन इतनी गंदगी पटक के गया, मांस के टुकड़े पटक कर चले गया। पंडित जी ने झाड़ू पोछा लगाकर साफ करा, गंगा जल छीटा, दूसरे दिन फिर आ गया, फिर डाल गए, पंडित जी ने फिर साफ करा। पंडित जी बड़े परेशान हो गए, रोज रोज कोई आता है गंदगी करके चले जाता है, फिर कोई आता है फिर गंदगी कर जाता है। अब पंडित जी ने आज लोहार की दुकान पर जाकर एक जाल बनवा लिया लोहे का, और शंकर भगवान के शिवलिंग पर वो जाल लगाकर उसको पैक कर दिया। अब कड़प आया तो देखा तो शंकर भगवान का तो शिवलिंग ढका हुआ है। कड़प ने क्या देखा कि एक जाल में से लोहे की तान टूटकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर लग गई, और जहां शिवलिंग पर तान लगी थी लोहे की, वहीं से रक्त की धार बह रही थी, रक्त बह रहा। और रक्त की धार बहना जैसे ही चालू हुई, कड़प को लगा ना जाने कौन शंकर भगवान को बंद कर कर चले गया, और लोहे की तान शिवजी के नेत्र को लग गई। अब शिवलिंग में कहां नेत्र होते हैं किसी को नहीं मालूम, कड़प को तो लगा, जहां लगा वह नेत्र था, भगवान शंकर के नेत्र को ये तान लग गई और शिवजी की एक आंख फूट गई, इसलिए रक्त निकल रहा है। कड़प को लगा भगवान को मैं क्या दूं जो रक्त बंद हो जाए, रक्त समाप्त हो जाए, शिवजी को मैं दूं तो दूं क्या, शंकर को मैं दूं क्या। कड़प ने विचार करा, मेरी मां कहती थी कोई अंग अगर खराब हो जाए तो वहां दूसरा अंग लगा दिया जाए। तो कड़प को याद आया मां के शब्द। आज कड़प ने शंकर भगवान का त्रिशूल उठाया, अपनी एक आंख निकाली,
और निकाल कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर लगा दी। जैसे शंकर के शिवलिंग पर आंख लगी, शंकर प्रकट हो गए। बाबा भोलेनाथ प्रकट होकर बोले, रे कड़ा, मैं तो समझता था कि तेरी जो जात है राक्षस प्रवृत्ति है, असुर भाव है, तू क्या यह भाव रखेगा? असुर प्रवृत्ति राक्षस प्रवृत्ति तेरी ये क्या भाव रखेगी? पर तू धन्य है रे कड़प, तूने अपना नेत्र निकाल कर मुझे लगाया है। भगवान शिव उसी समय पर नेत्र पर हाथ लगाते हैं, कड़प का नेत्र श्रेष्ठ कर देते हैं। शंकर ने कहा, मांग, तुझे चाहिए क्या? कड़प कहता है, कुछ नहीं भोलेनाथ, बस इतनी कृपा करना, तुम्हारे मंदिर में आकर कोई कुछ भी चढ़ा कर जाए, आप उसको दर्शन जरूर देते रहना, जिस भाव से चढ़ाए। कोई धतूरा चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई भांग चढ़ा रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई पत्ती चढ़ा रहा है, जिसकी जो मर्जी पड़ती है वो शंकर भगवान को चढ़ाकर चला जा, शिव जी को चढ़ा, जिसका जो मन कर, बस भाव बाबा को रिझा। भाव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मैं आपकी आराधना करूं तो करूं कैसे? कड़प कह रहा है, जो चढ़ाए जैसा चढ़ाए आप स्वीकार करो, आप पाए भगवान स्वीकार करो। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।